नंबर देखते हैं 30। 30 नंबर में दिया हुआ है 5x + y माइनस का 2x - y इक्वल टू में माइनस का 1, और दूसरा है 15x + y और फिर प्लस का 7x - y इक्वल टू में 10। हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं नेट 1x + y इक्वल टू में हम लोग ले लेते हैं a और 1x - y इक्वल टू में ले लेते हैं b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5a - 2b इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से हो जाएगा 15a + 7b इक्वल टू में 10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए ना। अब इन दोनों से देखो, आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सेकेंड में 1 से, ताकि x का कोफिशियंट सेम मिल जाए, तो हम लोग सॉरी a का कोफिशियंट सेम मिल जाए। अब लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन सेकेंड। मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15a - 6b इक्वल टू में -3। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a + 7b इक्वल टू में 10। चलिए यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना -13b इक्वल टू में -13। माइनस में इसका देंगे 13 जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा b का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में, हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 5a - 2b इक्वल टू में -1। 5a - 2b के जगह पे यहाँ 1 रख देंगे यानी इक्वल टू -1। चलिए आगे देखते हैं, ये -2 हो जाएगा तो 5a इक्वल टू में -1 + 2 यानी 5a इक्वल टू में 1 यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर था 1x + y इक्वल टू में a और 1x - y इक्वल टू में b था। ठीक है, तो चलिए 1x + y इक्वल टू में हो जाएगा 1/5 और 1x - y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या पलट देंगे तो यहाँ से x + y इक्वल टू में हो जाएगा 5, ये थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, और x - y इक्वल टू हो जाएगा 1, ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू में 5 है और यहाँ x - y इक्वल टू में 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x = 6 यानी x = में क्या हो जाएगा 6/2 3 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड या फोर्थ में, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्या है x + y इक्वल टू में 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, तो यहाँ से ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो y का वैल्यू 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।